दोस्तों, सैलरी सैलरी सैलरी, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। और इसी के बेसिस पे लोग अपना करियर जो है वो डिसाइड करते हैं, चुनते हैं। मेरी सोच यहाँ पे थोड़ी अलग है, लेकिन मेरी सोच को अभी साइड में रखते हुए आज के इस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं कि BBA वर्सेस BCA, कौन से कोर्स में आपको अच्छा जॉब मिलेगा, जहाँ पे आप अच्छी सैलरी जो है वो आपको मिल पाएगी। तो वो देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि BBA और BCA में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, BBA जो है वो एक बिजनेस रिलेटेड कोर्स है। यहाँ पे आपको सेल्स, मार्केटिंग, HR, बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। और BCA जो है वो एक कम्प्लीटली टेक्निकल कोर्स है, कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, इस तरीके के सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे। तो दोनों कोर्सेज अलग अलग फील्ड में हैं, इन दोनों का एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं है। जॉब की बात करें कि कहाँ पे जॉब मिलेगी, तो BCA करने के बाद में आप सॉफ्टवेयर कंपनीज में जॉब कर सकते हो, जैसे कि TCS है, इंफोसिस है, विप्रो है। BBA करने के बाद में आप किसी भी बड़ी कंपनी, बड़ी MNC में जॉब कर सकते हो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, फूड एंड बेवरेजेस में है, एजुकेशनल सेक्टर में है, कहीं पर भी आप जॉब कर सकते हो। अभी बात करते हैं पर्टिकुलरली सैलरी के बारे में कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी। तो यहाँ पे BBA या फिर BCA कोई भी कोर्स आपने परस्यू किया, अगर किसी एवरेज कॉलेज से अगर आपने परस्यू किया है, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो करीब 25,000 से लेकर 40,000 के आसपास यहाँ पे आपकी सैलरी जो है वो रहेगी। अगर आपने किसी टॉप कॉलेज, बहुत ही बढ़िया कॉलेज से किया है, जिसका प्लेसमेंट भी बहुत ही अच्छा है, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो करीब 30,000 से लेकर 60,000 के आसपास में रहेगी। चांसेस कम है, लेकिन हो सकता है। उसके अलावा सैलरी जो है वो डिपेंड करती है आपके स्किल्स के ऊपर। अगर आपके पास में अच्छे स्किल्स हैं, तो स्टार्टिंग में ही आपको अच्छा पैकेज ऑफर हो सकता है। अगर आपके पास में कम स्किल्स हैं, तो आपको उतना अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा। तो किस तरीके के स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे अगर BBA में देखें, तो आपके पास में एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, आप प्रेजेंटेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, उसके अलावा एनालिसिस, एनालिटिकल स्किल आपका अच्छा होना चाहिए। ये सारे अगर आपके पास में स्किल्स हैं, तो यहाँ पे आपको एक अच्छी सैलरी मिल सकती है BBA में। BCA की बात करें, तो ये टेक्निकल कोर्स है। यहाँ पे आपको, आपके पास में टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आपके पास में अच्छा नॉलेज है, या फिर यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग का आपके पास में अच्छा खासा नॉलेज है, तो इस फील्ड में आप अच्छे से एक्सेल कर सकते हो, और यहाँ पे आपको स्टार्टिंग सैलरी अच्छी खासी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप खुद देखिए कि किस तरीके के स्किल्स आपके अंदर में हैं, या फिर किस तरीके के सब्जेक्ट्स आपको पसंद है, वो देख के आप अपना कोर्स पसंद कीजिएगा, ना कि सैलरी के बेसिस पे। क्योंकि जो चीज़, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने में मज़ा आता है, वो अगर आप पढ़ोगे, तो उसमें आप अच्छे से एक्सेल कर पाओगे और अच्छा करियर आप बना पाओगे। सैलरी जो है वो बाद में, पहले स्टार्टिंग में अगर कम है, तो बाद में भी वो आपकी इंक्रीज हो सकती है, अगर आपके पास में अच्छे स्किल्स है तो। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ जनरली कि आप अपना इंटरेस्ट देख करके कोर्स को चूज कीजिए, ना कि सैलरी को देख के। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और ऐसे ही करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड वीडियोज अगर आपको रेगुलर बेसिस पे देखने हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।